समाजवादी पार्टी ने अपने मूल चरित्र के अनुसार ही मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव से अपने प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी को घोषित किया है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का निर्माण तो समाजवाद के नाम पर हुआ था, लेकिन जब पार्टी अस्तित्व में आई तो यह जातिवादी हो गई, और फिर जातिवाद से भी जब इनका विस्तार हुआ तो फिर उसके बाद ये परिवारवादी हो गए, माने एक ही परिवार के लोगों को सब कुछ मिलेगा, बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, एक भाई राज्यसभा से सांसद, भतीजा सांसद, पोता सांसद, बहू सांसद, विधायक सब भर में हो गए। तो लेकिन उसके बाद भी जब पार्टी का विस्तार हुआ तो फिर मैंने बाप के बाद बेटा ही आया, मैंने मुलायम सिंह जी के बाद में अखिलेश जी का ही नंबर आया, वहां शिवपाल को भी पार्टी भूल गई। और अब जब मैनपुरी का उपचुनाव हो रहा है तो मुलायम सिंह जी की विरासत के नाम पर जिस प्रकार से श्रीमती डिंपल यादव जी को लाए हैं, तो उस पर मेरा इतना ही कथन है कि चूंकि अखिलेश जी के बेटा और बेटी एक ही उम्र चुनाव लड़ने लायक नहीं है, तो नहीं तो उनको लाते, तो अब बेटा बेटी चुनाव लड़ नहीं सकते, तो इसलिए अपनी पत्नी को टिकट दे दिया है। जबकि धर्मेंद्र और तेज प्रताप जो कि वहां पर दो उम्मीदवार उनके परिवार से ही थे, उनको भी दरकिनार कर दिया, परिवार को दरकिनार करके वंशवाद के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास व्यक्त किया है, यही समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। और लेकिन शायद यह भूल गए हैं कि इस बार मैनपुरी की जनता वंशवाद के नाम पर वोट नहीं करेगी, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करेगी, और मैनपुरी में कमल खिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।